हिंदी, हिंदी में वर्णमाला पढ़ना है और उसमें व्यंजन वर्ण। आप लोग को अ से अह तक कंप्लीट हो चुकी है स्वर्ण वर्ण। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क से लेके अंग तक का। तो इसमें आप यू, इसको क्या बोलते हैं, सीधी लाइन, यू सीधी लाइन। फिर आप यू लाइन को करें, इसे गोल शेप में यू करें और दाहिने की तरफ यू आप इसको करें। ये क्या हो गया क। फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न में तो आप लोग सीखे ही हैं, लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, यू गोल सर्कल में यू आप शेप में लिखे, यू दाहिने की तरफ हल्का यू राउंड करें। लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, गोल में शेप, यू दाहिने की तरफ यू आप राउंड करें, इसको क बोलते हैं। फाइनल लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, गोल में सर्कल करें और दाहिने की तरफ यू टर्न करें। ये आपका क कंप्लीट हो गया। की प्रैक्टिस करते हैं, लेटी हुई लाइन, यू कर्व तिरछी लाइन, सीधी लाइन, यू गोल में शेप, ये ख हो गई। ऐसे आपको ख की प्रैक्टिस करनी है। क के बाद क्या होती है, ख, यू ख हो गई। अब आपको ग की प्रैक्टिस करनी है, फिर लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, यू गोल आप सर्कल में करेंगे, गोल और फिर खड़ी लाइन, लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, यू गोल में आप कर्व करेंगे, खड़ी लाइन, यू आप ग की प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, और फिर आपको घ की प्रैक्टिस करनी है, लेटी हुई लाइन, यू हल्का कर्व, यू फिर खड़ी लाइन, लेटी हुई लाइन, कर्व, खड़ी लाइन, लेटी हुई लाइन, कर्व, कर्व, खड़ी लाइन। घ के बाद अंग, लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, फिर यू कर्व, यू राउंड करती हुई लाइन में टच करनी है, उसके बाद एक छोटा सा बिंदु देनी है। लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन, यू राउंड करती हुई, यू क्या हो गई, अंग। आपका आज क से लेके अंग तक कंप्लीट हो गए। आप इसको खूब अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा और होमवर्क बना के रखिएगा।